Okay, so good morning, friends. Last class we had done AS2, right? Abhi hum log accounting standard karenge, but uske pehle we are just taking up an important chapter of your curriculum, that is internal reconstruction. ठीक है? ये आपके institute book में chapter 14 है, internal reconstruction. कहीं ना कहीं you will find that it is related to bit of पार्टनरशिप में जो हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं ना, व्हेनेवर देयर इज एन एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर, और रादर व्हेन देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. व्हेन देयर इज, जब भी हम लोग का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो एज ऑन दैट डेट जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की नई वैल्यू है हम लोग उस पर दिखाते हैं. नाउ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वो तो नहीं है, बट इसमें जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन रिवैल्यूएशन, राइट? चलिए, कमिंग टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म रिकंस्ट्रक्शन. नाउ रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं जब आप? When do you do reconstruction? Right? आप reconstruction कब करते हैं? जब कोई भी चीज आपका खराब हो गया है, right? तो आपके पास option क्या क्या है? या तो आप उसको बंद कर दीजिए, right? या आप उसको ठीक करने का कोशिश करिए. तो reconstruction में भी you will find there are two types of reconstruction. Now कंपनी के केस में क्या खराब हो सकता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, क्या खराब हुआ होगा? जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग का हो सकता है डैम पा रहा है, या जो पाइपलाइन है वो डैमेज हो गया है, सो अकॉर्डिंगली पूरा वॉल वगैरह डैमेज हो गया है, सो प्लस्तर वगैरह निकाल के हम लोग रीप्लस्तर करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या पूरा बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नया बना रहे हैं, जो भी. लेकिन एक कंपनी में क्या गलत हो सकता है? सर कंपनी में गलत क्या होगा? कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी के सारे एसेट्स खोखले हो गए हैं. एसेट्स का मतलब क्या होता है? विच इज यील्डिंग यू फ्यूचर प्रॉफिट, विच विल यील्ड यू फ्यूचर प्रॉफिट. बट ये कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लाइन में जहां पे प्रॉफिट्स हो ही नहीं रहा, लॉसेस हो रहे हैं, बैलेंस शीट में पूरा लॉसेस भरा पड़ा है, देर आर ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेज इन द बैलेंस शीट, राइट? तो जब भी ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेज होगा बैलेंस शीट में, तो अपन को क्या करने का है, ये अपने को बात करना है इसमें, राइट? सो व्हेन देयर इज ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेज, तो अपने पास उपाय क्या है? आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं, या तो आप उसको बंद कर दीजिए, या आप उसको रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जाइए. नाउ रिकंस्ट्रक्शन भी दो टाइप का होता है. एक क्या होता है? जो कंपनी प्रेजेंटली एग्जिस्ट करती है, राइट, उसके जो अच्छे अच्छे एसेट्स है ना, उसको लेके आप नया कंपनी फॉर्म करिए. कंपनी के जो अच्छे अच्छे एसेट्स हैं, उतना ही से आप एक नया कंपनी फॉर्म करिए. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. So basically liquidating the old company and starting a new company with a new name. Now isme again you have to go into that process of registrar of companies, company creation and all, registration of companies, right? Dusra tarika kya hai? Ya to aap band karke baith jao, jhamela hi khatam, reconstruction mein jayenge hi nahi. Reconstruction mein bhi do type ka reconstruction hota hai. Acha kiske liye kar rahe hain? Sick company, company bimar ho gayi. Company bimar ka matlab kya hai? कंपनी में डैमेज हुआ. क्या चीज का डैमेज हुआ है? कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी लॉसेस दे रही है, कंपनी के एसेट्स अंदर ही अंदर खोखले हो गए हैं. एसेट्स का मतलब होता है जनरेटिंग, व्हिच एसेट्स आर दोस व्हिच आर हेल्ड फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट हियर देयर आर नो प्रॉफिट्स, इट इज ओनली शोइंग लॉस 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 लॉस, राइट? आई एम अनेबल टू पे माय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स, डिविडेंड तो कई मन्नत हो गया दिए, राइट? तो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आइदर यू शट डाउन और रिकंस्ट्रक्शन. नाउ रिकंस्ट्रक्शन में भी दो चीज होता है. एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से उससे आप एक नया कंपनी बनाइए. नाउ प्रॉब्लम हियर इज जो नया कंपनी बनेगा उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल वापस से करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो नया कंपनी बनेगा, दिस इज कवर्ड इन एमलगमेशन, राइट? अमलगमेशन बोल के एक टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा रिकंस्ट्रक्शन का बात करेंगे?
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. व्हाट इज दैट रिकंस्ट्रक्शन? दो, एक होता है अच्छा अच्छा एसेट से आप नया कंपनी बनाइए, पुराने वाले को बंद करिए. पुराना वाला को लोग पहले जानते थे, तो अगर आप पुराना वाला को बंद कर दिए मतलब पूरा डूब, पूरा बंद हो गया वो, थोड़ा बहुत भी जो उसका मार्केट में गुडविल है वो भी खत्म. नए वाले को नया नया तरीके से वापस से अपना ब्रांड बिल्डअप करना पड़ेगा. बेसिकली तुमने छुपाया है, राइट? तुमने अपना उस चीज को छुपा दिया बंद करके. नाउ यू आर कमिंग अप विथ अ न्यू फेस, सो अगेन दैट ब्रांड बिल्डिंग एंड ऑल विल बी देयर. तो ये एक टाइप का तरीका हुआ. दूसरा तरीका होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे आप कंपनी बंद नहीं करेंगे. यू विल कम इनटू सम अग्रीमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट्स विद द स्टेक होल्डर्स. तुम क्रेडिटर को बोलोगे भैया देखिए हमारा दुख का दौर चल रहा है, अभी लॉसेस है हमारे, आज अगर मैं कंपनी बंद कर दूंगा तो आपको कुछ नहीं मिलना. क्यों नहीं मिलना आपको कुछ भी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहां पे सिक्योर्ड लेंडर्स हैं. एसेट बेच के जो पैसा आएगा थोड़ा बहुत उसी को चुकाएंगे, उसको भी पूरा नहीं चुका पाएंगे. तो इससे अच्छा क्या है, वॉट एवर वी ओ यू उसका 50% आप वेव कर दीजिए. ऐसे भी कुछ नहीं मिलना, कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ पाने की आशा से जुड़े रहो. क्रेडिटर हमेशा ऐसा ही सोचता है. पूरा खत्म करने से अच्छा क्या है, थोड़ा बहुत कुछ तो मिल जाए, आज नहीं तो कल परसों मिल जाए, बट मिल जाए. तो कंपनी विल कम इनटू अग्रीमेंट्स विद द स्टेक होल्डर्स. क्रेडिटर को बोलेगी देखो भैया हमारे पास जो भी है, आज अगर हमने इसको बंद कर दिया, आज अगर हमने इसको बंद कर दिया तो क्या होगा, किसी को कुछ नहीं मिलना, आपको तो कुछ भी नहीं मिलना, बिकॉज जो भी एसेट्स है दैट ऑल एसेट्स का जो बेच के जो पैसा आएगा दैट विल बी इनसफिशियंट टू पे डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर को पूरा मिलेगा तब ना आपके पास आएगा बारी. तो क्रेडिटर से हम थोड़ा सा वेव करवा लेंगे, 50% 60% वेव कर देगा क्रेडिटर, बाकी का वी विल टेल हिम दैट विद इन 1 ईयर वी विल पे यू, राइट? तो एक टाइप का रिकंस्ट्रक्शन हो गया ना लाइबिलिटी का. नाउ वी विल कम टू डिवेंचर होल्डर. डिवेंचर होल्डर को क्या बोलेंगे, देख भैया तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, 50% ही मिलेगा. कंपनी अगर मैं बंद कर दूं, बोला नहीं कंपनी का मालिक लोग देगा, पगला है का? कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होता है. वाई द शेयर होल्डर्स विल पे यू वॉट एवर यू हैव इन द कंपनी दैट इज ओनली लाइबल फॉर यू. जो कंपनी में है ही नहीं वो लाइबल में आएगा ही नहीं, उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला. गॉट माई पॉइंट? मैक्स टू मैक्स आपको उतना ही मिलेगा. तो एक काम करिए आप अपना प्रिंसिपल पार्ट थोड़ा वेव करिए. बोला मैं क्यों करूं, मैं तो सिक्योर्ड हूं. किस बात की सिक्योरिटी, खोखला है. मैं तो बोल ही रहा हूं मैं अगर इसको बेच दूंगा तो आपको पूरा भी नहीं मिलेगा. आप अपना प्रिंसिपल पार्ट को थोड़ा सा वेव करो, पूरा नहीं 20% 30%, एंड मैं आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा. एटलीस्ट आप इंटरेस्ट जो हर साल आपको मिलेगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट. इस टाइप का अलग अलग टाइप का रिकंस्ट्रक्शन होता है. ये सब करने के बाद मैं शेयर होल्डर के पास जाऊंगा. मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा देखो भैया तुम तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं हो, यू आर द रेसिडुअरी रिस्क बियरर. तो बुक्स में जितना भी लॉस है इन सबको हटाने में मेरा मदद करो. थोड़ा मदद क्रेडिटर किया है, थोड़ा मदद डिबेंचर होल्डर किया. जब इनका प्रिंसिपल पार्ट वेव होगा तो लाइबिलिटी रिड्यूस होगा. तुम लोग रिवैल्यूएशन में देखा है लाइबिलिटी रिड्यूस होने से बुक्स में प्रॉफिट जनरेट होता है. वो बुक का जो प्रॉफिट जनरेट होगा बुक्स में दैट विल बी यूज्ड टू ऑफसेट लॉसेस देयर इन द बैलेंस शीट. रिमेनिंग लॉसेस अगर मान लो और भी, तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को बोलूंगा वेव करो. तो कहने का मतलब है बेसिकली मेरा बैलेंस शीट से लॉस हट जाएगा. अरे
बैलेंस शीट से लॉस हट जाना तो तुम्हारा परिस्थिति कैसे सुधार देगा? परिस्थिति तो तुम्हारा तभी सुधरेगा जब तुम फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करोगे। आज तुमने कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्रेडिटर के साथ, डिवेंचर होल्डर के साथ, शेयर होल्डर के साथ। आगे बोला, आगे पे मैं आऊंगा, पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, अब सेकेंड पार्ट मैं थोड़ा सा उनसे फंड्स भी मांगूंगा। बोला पहले का और बाद का, आने वाले कल का सबका भरपाई हो जाएगा, आप चिंता मत करें, आप थोड़ा सा पैसा और दे दीजिए। क्रेडिटर को बोलेंगे थोड़ा माल उधार में दे। क्रेडिटर बोलेगा अरे यार तुम वही घिसा पिटा प्रोडक्ट बनाएगा फिर तुम नुकसान कर देगा। बोला नहीं सर, नया फॉर्मूला है, उसमें आपका रॉ मेटेरियल का दरकार है, नया माल बनेगा, नया तरीके से ब्रांडिंग होगा, सब कुछ नए तरीके से होगा, राइट, देयर विल बी प्रॉफिट्स, डोंट वरी। तो ये सेकेंड पार्ट है, फंड्स भी रेज करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो बीमार कंपनी थी, दिखने में जो बीमार लग रही थी, जिसमें लॉसेस था, उन लॉसेस को आपने हटा दिया, और नाम भी वही रहेगी आपका, नाम वो रहेगा ना भैया, चेंज कहां हुआ नाम? अब आप एक पुनर्जन्म मिला आपको, अब आप टाल लीजिए। बीमार आदमी अस्पताल से घर आ रहा है, होता क्या है, पट्टी लगी रही है, बैंडेज लगा रहते हैं। तो जिस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उस पे हम लोग एंड रिड्यूस्ड बोल के वर्क करेंगे, जिससे कि वो कंपनी जब भी किसी के पास फंडिंग ले जाए तो उस कंपनी को मालूम होना चाहिए, सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि हाल ही में इसने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाया अपना, धोखाधड़ी ना हो, तुमने मेरे से झूठ बोल के पैसा ले लिया। एक चीज सोचो ना, अगर मैंने बैलेंस शीट से सारा लॉस हटा दिया तो क्या लगेगा, ये फ्रेश कंपनी है, कोई भी आदमी मोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए तुमको एंड रिड्यूस वाला वर्ड कैरी करना पड़ेगा। पट्टी अपने कब तक कैरी करते, जब तक अंदर का जख्म भरता नहीं है। तो जब तक तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक तुमको वो एंड रिड्यूस वाला वर्ड लगा के घूमना है। जब तुम्हारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी तुम कहोगे, अच्छा ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम हम लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे पास लोग आ सकते हैं कि आप ये स्कीम ड्राफ्ट करके दीजिए, आई कैन एक्ट एज अ डॉक्टर जिसका मैंने इलाज किया है। हालांकि इसका अप्रूवल कोर्ट देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग स्कीम ड्राफ्ट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री तो करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, बट वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हम लोग इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं कि बीमार कंपनी का हम लोग स्कीम ड्राफ्ट करके देंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग बुलवा के देंगे, सब कुछ काम करेंगे, प्रोफेशनल जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम करके देंगे, फिर आप स्कीम को कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे एप्लीकेशन करने के बाद। दो ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट इन कंपनी लॉ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द एस्पेक्ट ऑफ दैट। व्हेन द कोर्ट गिव्स अप्रूवल देन यू विल पास दीज एंट्रीज। पहले ऑन पेपर स्कीम ड्राफ्ट होगा, कोर्ट अप्रूवल देने के बाद में आप इसको एंट्रीज करेंगे, और जब नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें एंड रिड्यूस वाला वर्ड लगा के घूमना है। और कब तक लगा के घूमना है? जब तक आपकी परिस्थिति ठीक ना हो जाए, ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या देखा, इन रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझा हमने, राइट। सो लेट मी जस्ट when company having huge accumulated losses, public
डिप्रिशियस एसेट्स। तो आपके पास क्या है? ऑप्शन वन लिक्विडेट, ऑप्शन टू डिप्रिशिएबल, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में भी आप क्या कर सकते हैं? पुराने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी विथ गुड एसेट्स। बी कवर्ड इन अमलगमेशन। नया नाम, नया पहचान, नया ब्रांडिंग, सब कुछ नया करना पड़ेगा। कैन बी कन्वर्टेड है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, लाइबिलिटी एंड शेयर कैपिटल। ऑन रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल, प्रॉफिट विल अराइज इन बुक्स विच विल बी यूज टू ऑफसेट ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डिप्रिसिएशन एसेट्स। ठीक है।
आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन वी नीड टू ऐड एंड रिड्यूस्ड विथ नेम ऑफ द कंपनी. इजी फाइंड. जनरेटरी पास करेंगे ये या? स्टेप वन ड्राफ्टिंग ऑफ स्कीम. स्टेप प्रोफेशनल्स इसमें मीटिंग सारे स्टेक होल्डर द्वारा से करवाएगा. स्टेप टू गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट. स्टेप द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज. ठीक है. एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट. स्टेप थ्री आएगा हमारे एग्जाम में. बोलेगा स्कीम हैज बीन प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड अप्रूव्ड. स्कीम हैज बीन प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड अप्रूव्ड. ठीक है. चलिए अब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर. ये हम लोग बाद में करेंगे. राइट. इनिशियली हम लोग पहले ये वाला कर लेते हैं. अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड रूल्स रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. नाउ व्हाट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. जैसे वहां पे जब एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता था तो हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे.
तो यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इट इज जस्ट अ कंट्रोलिंग अकाउंट, राइट। सारा जितना भी लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स है इन सबको कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डालेंगे। शेयर कैपिटल और लायबिलिटी का जब रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका प्रॉफिट को भी इसमें डालेंगे। अल्टीमेटली ये बैलेंस होना चाहिए, मैच होना चाहिए, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट जनरेट करेंगे, उतना ही वेव करवाएंगे जितना हमारा लॉसेस है। ज्यादा वेव करवा के प्रॉफिट क्रिएट करोगे तो फॉल्स प्रॉफिट हो गया ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम स्कीम ड्राफ्ट करेंगे हम इसी तरीके से, पहले हम टोटल लॉसेस देखेंगे कितना है हमारा, कि हमारा टोटल लॉसेस इतना 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 है। तो जितना हमारा टोटल लॉसेस है उतना ही हम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे और उतना ही हम वेव करवाएंगे। ज्यादा वेव करवा के फायदा थोड़ी है। द स्कीम इज टू एलिमिनेट ह्यूज लॉसेस, नॉट टू क्रिएट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रिएशन तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होना चाहिए। माल बेच के कमाओ, नया धंधा शुरू करो, उससे कमाना है, स्कीम से कमाना नहीं है। स्कीम से कमाओगे तो फिर तो धोखा हो गया। इसका मतलब तुम्हारा जज्बा वज्बा सब खत्म, तुम्हारा कोई जज्बा ही नहीं है। तो कैपिटल रिडक्शन इज अ कंट्रोलिंग अकाउंट आउट हियर। जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई एसेट में दीमक लग गया, वो सारा लॉसेस को हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालेंगे। इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसेट क्रेडिट होगा। एसेट रिड्यूस होगा तभी ना लॉस क्रिएट होगा कैपिटल रिडक्शन। अकाउंट में जाएगा। लाइबिलिटी से वेव करवाए क्रेडिट होगा, तो आएगा कंट्रोलिंग अकाउंट, राइट। आइए देखते हैं टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमने बता दिया है। इसमें बेसिकली ये हम लोग अमलगमेशन कवर करें, राइट, एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विल बी टॉकिंग आउट। इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, राइट, हम लोग सबके बारे में बात करेंगे, बट अभी जो सिंपल हम लोग, लेट अस गेट इनटू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एज क्विकली एज पॉसिबल, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज सब डिविजन, कंसोलिडेशन, ये सब मैं आपसे बात करूंगा अभी नहीं। द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द रीजन डूइंग स्टडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट बुक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द फर्स्ट, इससे अच्छा बुक नहीं है मार्केट में, राइट। कंपनी इज मेकिंग, कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस फॉर सेवरल इयर्स, हाँ ना, इट हैज ह्यूज लॉसेस इन द बैलेंस शीट। समटाइम्स यू विल फाइंड दैट एसेट्स आर ओवर वैल्यूड, बैलेंस शीट कंटेन फिक्टिशियस एसेट्स, एंड डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एज पर शेड्यूल 3 जो नया कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेट है ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एज ए नेगेटिव आइटम आता है अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ह्यूज लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कंपनी में लॉसेस एक्यूमुलेट होते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सोल प्रोप्रेटर में क्या होता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस सीधा कैपिटल में प्लस माइनस होता है, बट कंपनी में अलग से पीएल अकाउंट में रखा जाता है एंड वहां से फिर डिविडेंड दिया जाता है अगर प्रॉफिट्स है। तो पीएल में डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, राइट। तो इसीलिए हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। आइए देखिए, रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज अफेयर्स आर रीऑर्गेनाइज्ड बाय रिवैल्यूइंग एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑलरेडी सफर्ड बाय रिड्यूसिंग द पेड अप शेयर कैपिटल, ब्ला ब्ला ब्ला। The objective of reconstruction is usually to reorganize capital or to compound, मतलब so the company can be bailed out from present situation without winding up the existing company.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवा रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए बाद में। दोनों तो में डिफरेंस बताया हुआ है, अपने को दरकार नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, यहां पे आप देखिए नीचे क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स कोर्ट्स कंफर्मेशन ऑन अदर लीगल प्रोसीजर्स बिफोर इट कैन बी इंप्लीमेंटेड। मैंने बोला ना ड्राफ्ट तो मैंने ठीक है, लेट अस नॉट गो इनटू ऑल दिस थिंग्स, ये हम लोग बाद में करेंगे। अब ये एंट्रीज मैं आपको लिखवाऊंगा, रिडक्शन ऑफ एसेट्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रियल डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस एसेट्स टू गुडविल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो नॉट रिटर्न ऑफ पोर्शन है। इन सारे एसेट्स के बारे में नहीं भी बोलेंगे तो भी हम इनको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि पीएल डेबिट बैलेंस हटाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिक्टिशियस एसेट्स हटाना, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे। अदर एसेट्स के लिए बोलेगा कि स्टॉक को राइट ऑफ कर दो, डेटर्स में राइट ऑफ कर दो, बाकी कोई एसेट है उसको राइट ऑफ कर दो, लेकिन इन सब एसेट्स के लिए बोले चाहे नहीं बोले ऑलवेज राइट ऑफ।
Reduction of liabilities. डिडक्शन क्रेडिट होगा, यहां देखो लॉसेस के लिए कैपिटल डिडक्शन डेबिट हुआ। अब स्कीम उतना ही ड्राफ्ट करना है जिसकी कि लॉसेस हट जाए, सारे लॉसेस, सारा दिमाग हम लोग पहले निकालेंगे। स्कीम ऐसे ही ड्राफ्ट होता है, एग्जाम में सब ऊपर नीचे देगा, एग्जाम में एसेट रिडक्शन लास्ट में देगा, लाइबिलिटी रिडक्शन पहले दे देगा। अपने लाइन से एंट्री करते चलेंगे, टी फॉर्मेट में लेजर अकाउंट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली लास्ट में बैलेंस होना चाहिए। बट जब स्कीम ड्राफ्ट किया जाता है तो कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, हाउ द स्कीम इज ड्राफ्टेड? फर्स्ट हम लोग लाइन से सारा लॉसेस का, फिक्टिशियस एसेट्स का टोटल करते हैं। राइट फिर उसी हिसाब से सबसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में आएंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन द वेव पार्ट। अब क्या होता है, क्रेडिटर बोलता है नहीं वैसे नहीं चलेगा, मेरा 100 रुपए बाकी है, 60% मैं वेव किया, चल बाकी का 40% के लिए तुम मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल दे। तू बोल रहा है ना कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, तो एक काम कर, तू मेरा पैसा तो वेव करवा ले। अब मैं अगर मेरा सोच देखो, मैं क्रेडिटर हूं, मेरा सोच क्या रहेगा, चल अपना 100 में 60 रुपया गया, 40 बचा, 40 का हमने शेयर ले लिया। बंदा बोल रहा है कंपनी ग्रो करेगा, तो 40 का मार्केट प्राइस 100 पहुंचेगा ना कभी 100, तो ऑटोमेटिकली आई विल रिकवर माई पार्ट। तो लोग वैसा थिंकिंग करता है, बाकी का 40 के लिए अगर मैं क्रेडिटर ही बन के रह गया तो 2 साल बाद ही मेरे को 40 ही मिलना है। इसलिए लोग क्या करते हैं, आई एम रेडी टू वेव, नो प्रॉब्लम, बट नाउ मेक मी क्या, इक्विटी शेयर होल्डर। राइट, तो बाकी के लिए हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, खाली वेव हुआ है कि सेटलमेंट भी हुआ है। Part. Either it will be waived or waived plus paid. Reduction of debentures. होगा क्या? Suppose करो
ये पुराना डिवेंचर है राइट, दिस इज ओल्ड रेट, रेट भी ओल्ड है। बदले में तुम मेरे को नया परसेंटेज का डिवेंचर देगा, है ना? जस्ट मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स देके समझा रहा हूं। सपोज करो, जस्ट ट्राई टू गेट दिस, 6% डिवेंचर वॉज रुपीज 1 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना हुआ? 1000। अभी मैंने तुमको क्या बोला, तू अपना प्रिंसिपल वेव कर दे, क्योंकि आज मैंने लिक्विडेट किया तो तेरे को वैसे भी नहीं मिलने वाला। हाउएवर आई विल मेक श्योर यू गेट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बोला प्रिंसिपल वेव कर दे एंड आई विल गेट सेम अमाउंट ऑफ, क्योंकि इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। सो मैंने बोला ठीक है तू मेरे को लेकिन इंटरेस्ट सेम देना। तो अगर मेरे को इंटरेस्ट सेम देना और नया रेट अगर 8% है, वैल्यू ऑफ न्यू 8% डिवेंचर्स कितना होगा? 6000 इंटरेस्ट चाहिए, डिवाइडेड बाय 8% कितना आ रहा है? समझ गया ना मेरा बात? प्रिंसिपल 25000 वेव हो गया। देखो ऐसा स्कीम ड्राफ्ट करता है प्रोफेशनल्स लोग, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट का धंधा करता है ना, वो लोग को मूल से ज्यादा इंटरेस्ट से प्यार होता है। मूल से तो होता ही है, बट मैंने तुमको, सपोज करो मैंने तुमको 1 करोड़ रुपए दे दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब तुम मेरे को हर साल इंटरेस्ट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, मैं तुमसे कभी प्रिंसिपल मांगूंगा क्या? प्रिंसिपल मैं तुमसे कब मांगूंगा? जब मेरे को दरकार पड़ेगी, या जब मेरी परिस्थिति खराब होगी, या जब मेरे को यह मालूम चलेगा कहीं से, कोई दूसरे सोर्स से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कि आप डूबने वाले हैं, तब जाके मैं आपको तगादा मारूंगा। तो पहले डिवेंचर होल्डर को 1 लाख का 6% 6000 मिलता था। अभी मैंने बोला तुम प्रिंसिपल वेव कर बट मैं तेरे को इंटरेस्ट सेम दूंगा। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल? हाँ मैं रेट बढ़ा दूंगा। बोला अभी का तो तू दे नहीं पाया और तेरे रेट बढ़ा के देगा। बोला यही तो बात है सर, ट्रस्ट करिए, क्योंकि पैसे आपके ऐसे भी डूबने हैं। मौका देके देखिए, पैसा तो उसका डूबने वाला है ना, ऐसे भी डूबने वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है इसमें? व्हाट इज हैपनिंग? ये ओल्ड डिवेंचर है टू न्यू डिवेंचर, सम पार्ट इज वेव्ड दैट विल गो टू कैपिटल रिडक्शन। सो वी कैन टेक अप दिस एग्जांपल। पुराना डिवेंचर 1 लाख, नया डिवेंचर 75,000, रेट दोनों का अलग अलग हो जाएगा एंड टू कैपिटल रिडक्शन में 25,000 चला गया। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। ये सम, ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, राइट? नेक्स्ट।
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला डेबिट, ना हुआ क्या, 1 लाख शेयर मेरे आउटस्टैंडिंग थे 10 रुपया वाले, मैंने सारे इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया, मैंने बोला भैया आप अपना शेयर सर्टिफिकेट लेके आओ, ये इक्विटी शेयर होल्डर के शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, राइट, इसमें लिखा है नंबर ऑफ, सबका नाम है और नीचे फोलियो नंबर लिखा रहता है कि सर्टिफिकेट नंबर होता है, इतना रेंज से इतना रेंज आपके पास में, तो ऑटोमेटिकली वहां पता चल जाता है कितना शेयर है आपके पास, राइट। तो शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा है, कंपनी का लेटर हेड पे है और इसमें लिखा है कि आपको पास में इतना शेयर है, ठीक। मैंने उसे मंगाया, मैंने बोला भैया दो तो एक बार, मैंने उसे मंगाया, ठीक है, मंगाया, बहुत अच्छी बात है, आपने मंगाया, तो मैंने उसे मंगाया, मैं लेके उसी के सामने ऐसे फाड़ दे रहा हूं, वो लोग चिल्लाने लगे क्या कर रहे हो साहब, बोला चुप, मैंने उनको नया दे दिया, ये लो। अच्छा है, नया है, वही उतना ही है, उतना ही शेयर है, लेकिन ये क्या हुआ, पहले वाला में 10 रुपया फेस वैल्यू था, अभी वाला में 4 रुपया हो गया, इसका मतलब जो कैपिटल 10 रुपया की थी अब उनकी कैपिटल 4 रुपया हो गई है, शेयर हालांकि उतने ही है, पुराना लेके नया बदल दिया, नंबर ऑफ शेयर में कोई बदलाव नहीं है, वैल्यू, तो इसका मतलब जो कंपनी के बुक्स में 1 लाख शेयर था 10 रुपया वाला, मेरे शेयर कैपिटल में था ना 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड, उसको मैंने एक्सचेंज में 4 रुपया वाला दे दिया, तो एक बुक एंट्री बनेगी, तो ओल्ड में आएगा 1 लाख × 10, 10 लाख, न्यू में आएगा 1 लाख × 4, 4 लाख, तो एज अ रिजल्ट बुक्स में कैपिटल जो 10 लाख पे खड़ा था वो 4 लाख पे आ गया, तो अल्टीमेटली मेरा 6 लाख रुपया रिड्यूस हो गया, सो इस तरीके से होता है हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। Being share capital reduced, पूरा लिख देंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एक्सचेंज्ड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 ईच, जो भी
या कैपिटल 10 रुपया को 4 रुपए में रिड्यूस कर दिया। इसमें काफी सारा टेक्निकलिटीज है जो हम लोग आगे जाके कवर करेंगे, राइट, डू नॉट वरी, सारा चीज हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये तो नॉर्मल लाइबिलिटी जो हमारे बुक्स में है, राइट, एसेट का रिडक्शन हो गया, लाइबिलिटी का हो गया, डिबेंचर होल्डर का हो गया, शेयर कैपिटल का हो गया। अब कई बार हम लोग को कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ता है, राइट, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे बुक्स में नहीं है बट हमें देनी पड़ेगी। सपोज मान लो मैंने किसी को कैपिटल कमिटमेंट कर रखा है कि भैया आप मेरा एसेट बनाओ, 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, बंदा क्या बोलेगा, अरे भैया तुम्हारा नुकसान हुआ, सही बात है, तुम मेरे घर पे क्यों नुकसान कर रहे हो, तो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। सामने वाला मेरे से कैश मांग सकता है, मैं बोलूंगा भैया हमारे पास एक ढेला भी नहीं है, बोले काम करो अपना कंपनी का शेयर दे दो। तो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो चाहे कैपिटल कमिटमेंट बोलो, कैपिटल कमिटमेंट्स, तो सर ये तो आपके लिए लॉस हो गया। अगर लाइबिलिटी बुक्स में होती तो देखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देता या कैश जो भी। यहां पे अपन कई बार बैंक में भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑब्लिक बैंक अकाउंट, दे माइट आस्क इन कैश, बोला हमको रफा दफा करो और 10% ज्यादा वेव करवा लो, पैसा देके नक्की करो, ऐसा भी होता है। तो सर लाइबिलिटी बुक्स में है ही नहीं, हम लोग का लॉस हो गया, तो यहां पे कंट्रोलिंग अकाउंट क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। व्हाट इज अवर कंट्रोलिंग अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बदले में वो शेयर भी मांग सकता है,
ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल या बैंक। अब मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाऊंगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस यूटिलाइज्ड, बैलेंस शीट में ना थोड़ा बहुत कुछ रिजर्व पड़ा हुआ रहता है, तो बोला एक तरफ तो तुम लॉस दिखा के रखे हो और दूसरी तरफ रिजर्व क्रिएट करके रखे हो, यूज करो उसको, राइट। तो रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बीइंग कैपिटल ठीक है, बीइंग रिजर्व्स यूटिलाइज्ड फॉर द स्कीम। अभी देखो मेरा पॉइंट नंबर वन में लॉस है, डेबिट, थ्री में, टू में प्रॉफिट है, क्रेडिट, लाइबिलिटी वेव हुआ है, डिवेंचर होल्डर वेव हुआ प्रॉफिट, शेयर कैपिटल वेव हुआ है प्रॉफिट, अगेन कंटिंजेंट लायबिलिटी पे किया लॉस, और यहां पे रिजर्व्स को यूज किया, राइट। तो परफेक्टली ड्राफ्टेड स्कीम मतलब टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल लॉस। कई बार ऐसा हो सकता है कि लॉस बच जाए, हो सकता है, तो उसको अपन गुडविल में डाल देंगे वापस, थोड़ा सा लॉस बच जाएगा, गुडविल में डाल देंगे। थोड़ा बहुत क्या होता है, पूरा परफेक्ट स्कीम ड्राफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो जाए, रुपया टू रुपया तो मैच कराना पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए प्रॉफिट क्रिएट करने का। तो इन दैट केस जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, राइट। तो पॉइंट नंबर सेवन, पेयर कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट एंड बैलेंसिंग फिगर इफ एनी शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक ऐसा अकाउंट है ना जहां पे कैपिटल से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट लॉस होता है ना,
वो अपन डालते हैं। पीएल में वो प्रॉफिट जाता है जो गुड से रिलेटेड होता है। जैसे तुम लोग को याद होगा री इश्यू जब होता है फॉरफिटेड शेयर्स का, तो उसमें भी जब प्रॉफिट आता था राइट, राइट री इश्यू होता था जब फॉरफिटेड शेयर्स का, तो उसका भी हम लोग जब प्रॉफिट आता था उसको भी अपन कैपिटल रिजर्व में डाल देते राइट। कभी कोई एसेट बेचा है हमने तो उसमें भी हमारा प्रॉफिट आया वो भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सो बेसिकली जब कोई मेजर बड़ा प्रॉफिट हो या जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो उसके लिए अपन ये रिजर्व यूज करते हैं। कोई गुड से कमाया हुआ प्रॉफिट है तो उसके लिए पीएल, जनरल रिजर्व, ये सब राइट। सो नाउ विल बी टेकिंग अ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुक। जैसे देखिए, इट इज ओनली अंडर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अनरिप्रेजेंटेड रिजर्व्स सरेंडर शैल बी देयर शैल बी कैपिटल रिडक्शन यूज्ड टू विच दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड। कोई कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है सारा एसेट का वैल्यू ही गिरे। मान लो मेरा कोई जमीन पड़ा हुआ है, उसका तो वैल्यू एप्रिशिएट करेगा ना, कंपनी लॉस मेकिंग है तो, बट जमीन का वैल्यू तो एप्रिशिएट करेगा, तो इन दैट केस एसेट एप्रिशिएट भी हो सकता है, तो रिवर्स एंट्री कर देंगे एसेट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन, एलिमिनेटिंग डेबिट बैलेंस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बाय क्रेडिटिंग द अदर एसेट्स, डेबिटिंग कैपिटल डिडक्शन, एनी रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बुक्स मे बी यूज्ड राइट, इफ 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 एनी बैलेंस इज लेफ्ट इन द कैपिटल डिडक्शन इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो राइट। क्लियर, चलिए लेट अस रीड इलस्ट्रेशन 3। द बैलेंस शीट ऑफ ए एन कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2002 इज एज फॉलोस। शेयर कैपिटल इज 11,50,000। देखो रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है, मतलब पीएल डेबिट बैलेंस होगा इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर होल्डर्स होगा, सबका नोट्स दिया हुआ नीचे। ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब बैंक को, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। अदर करेंट लायबिलिटी में देखेंगे क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट दिया हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स राइट, ये सब एसेट्स हैं, और करंट एसेट में इन्वेंटरी एंड ट्रेड पेबल है क्योंकि बैंक तो नेगेटिव है। नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने बोल दिया था पीएल का डेबिट बैलेंस ही होगा, देखो पूरा का पूरा इसको पूरा यूज करेंगे राइट ऑफ, इसी को तो हटाना है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर होल्डर है जिसको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरवी रखा गया है, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब। अदर करेंट लायबिलिटी में लोन फ्रॉम डायरेक्टर है और डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट बाकी है। देखो 3,75,000 का 6% करो, 22,500 मतलब एक साल का इंटरेस्ट नहीं दिया है राइट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिस इज द ब्रेकअप, प्लांट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, गुडविल है, पेटेंट है, दोनों फालतू एसेट्स है ना, और इन्वेस्टमेंट है। कोर्ट अप्रूव्ड 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 ना ड्राफ्ट करना है ना अप्रूवल
करवाना है, तुम्हारा काम क्या है, पोस्ट अप्रूवल, उसको इंप्लीमेंट करना, एंट्रीज पास करना, नया बैलेंस शीट बनाना। तो ये सारी बातें की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट्स, 11 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन अगर कुछ है तो, एंड प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द कंप्लीशन आफ्टर द कंप्लीशन। मैंने बताया ना यही करना है आपको, राइट। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ स्कीम, जैसे ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका खर्चा लगता है, तो इसकी एंट्री वही होगी जो पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी की हुई थी। अगेन कैपिटल डिडक्शन विल बी डेबिट टू बैंक, राइट। एनीवे, पॉइंट नंबर 11 में देखो, देयर वेयर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग 2,50,000, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कैंसल्ड। तो 2,50,000 का 5% क्या है, 12,500 कैपिटल कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो 12,500 पॉकेट से देना पड़ रहा है, हाँ या ना। तो पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गया। डायरेक्टर लोग का 1,00,000 का लोन बाकी था, बोलता 90% के लिए आप हमको शेयर देंगे, 1,00,000 का 90% जितना है उतना आप हमको शेयर देंगे, बाकी का आप हमको कैश देंगे, बाकी मैं 5% ही खाली वेव करूंगा, जिससे जैसा समझौता होगा वैसा करना है, माथा नहीं लगाना है। इन्वेस्टमेंट्स को मैंने बेच दिया, राइट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया है, डेटर में बैड डेब्ट्स हैं, इन्वेंट्री खराब हो गया, गुडविल पेटेंट को राइट ऑफ करना, नहीं बोलता तो भी करते ऑलवेज, जैसे पीएल डेबिट के लिए बोला नहीं अभी तक, वो भी राइट ऑफ होगा, राइट। डिबेंचर होल्डर को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दिया, इसमें दो पार्ट है देखो, पहला दो लाइन पढ़ो, डिबेंचर होल्डर को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दिया, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी चला जाएगा बुक से, डिबेंचर होल्डर भी चला जाएगा, हालांकि पूरा नहीं दिया, पार्ट पेमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत तो संतुष्टि हुआ वो लोग को, बदले में उनसे और पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, मतलब दिस इज फ्रेश इश्यू, फ्रेश इश्यू के लिए कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए, फ्रेश इश्यू के लिए कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर तुम नया इक्विटी शेयर इश्यू करते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद, बस खाली तुम एंड रिड्यूस वर्ड लगा के चलना, उसके बाद तुम किसी से भी डीलिंग्स कर सकते हो, डीलिंग्स में कोई मना ही नहीं है। तो इसमें दो पार्ट है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर होल्डर को कैश में दे दिया, जो भी बाकी था बोला इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड तुम 4 साल से नहीं दिए, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि पूरा बैलेंस शीट अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, कहीं पर भी मेरे को दिखाई नहीं दिया। 3/4 वेव ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स में है ही नहीं, उसको वेव कर दिया, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, वो लायबिलिटी वेव करने से फर्क पड़ेगा जो हमारे बुक्स में है। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर जो है वो तो हमारे बुक्स में है ही नहीं, लेकिन जो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे बुक्स में नहीं है बट बदले में पेमेंट करना पड़ रहा है 1/4, वो हमारे लिए लॉस है। और प्रेफरेंस शेयर को कम करके 75 में लेके आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रहेगा, और इक्विटी शेयर को 2 रुपए में लाना है। देखो प्रेफरेंस शेयर यहां पे कितना है, 100 रुपया का, इसको 75 में लाना है, नंबर ऑफ शेयर 4,000 ही रहेगा, और ये 75,000 शेयर 10 रुपया का है, इसको 2 रुपए में लाना है, रिडक्शन हो रहा है भैया, राइट। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और एंट्री करना है, राइट। आइए
एंटिटी स्टूअर्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे जनरल का फॉर्मेट भी बना सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर को बोलता है 75 रुपया का बना दो, तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, देखो बैलेंस शीट में दिखेगा, 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया वाला, इसको 75 रुपया का बना देने बोला है, ठीक है। सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपया वाला, इतना 4 लाख, 4,000 × 100 तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 75 वाला बना दो, तो 4,000 × 75 करने से 3 लाख आएगा, और जो वेव हुआ है ये प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू ₹75, पुराना वाला लेके नया वाला दे दिया, नंबर उतना ही है, वैल्यू कम हो गया, तो बुक्स में प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटल कम हो गया ना। ठीक है, सो कैपिटल रिडक्शन इज अ कंट्रोलिंग अकाउंट, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा तभी इस अकाउंट में जाएगा, लास्ट में टोटल करके देख लेंगे। सिमिलरली इक्विटी शेयर का भी करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम कभी पढ़ना नहीं चाहिए, सम में इन्वेस्ट टाइम इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, लाइन बाय लाइन स्कीम ड्राफ्टेड है, लाइन बाय लाइन एंट्री करो, लास्ट में कैपिटल रिडक्शन बना के देख लेंगे प्रॉपर बैलेंस हुआ कि नहीं। क्लियर? टू
ठीक है ना, 75,000 इंटू 10 वाला ले लिया, 75,000 इंटू 2 वाला दे दिया, ठीक है। पहला हो गया। अब बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर 4 साल से था, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, पुराना कैपिटल पे, नया कैपिटल नहीं, पुराना कैपिटल 4 लाख का था, अरियर तो पुराना कैपिटल पे होगा, 4 लाख इंटू 6% इंटू 4 इयर्स इक्वल्स टू रुपीज कितना आ रहा है, 96,000। थ्री बाई फोर वेव्ड, नो एंट्री एज लाइबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। वन बाई फोर्थ पेड, इट हैज लॉस, लॉस हो ना आपको, तो 96,000 का 1/4 मतलब 24,000। अब बदले में क्या मांग रहा है वो लोग, बोला शेयर दे दो, दो दो रुपया वाला, ठीक है। कितना शेयर दिया बेटा, बारह हजार शेयर, बीइंग 12,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर अरियर ऑफ डिविडेंड। पहले फिगर आया 24,000 दे रहे, आया ना, फर्स्ट वी आर गिविंग 24,000, यस और नो, थ्री फोर्थ गया वे, 140 पेड है, तो 24,000 दे रहे हैं, 24,000 का शेयर, तो एक शेयर का 2 रुपया हो गया ना, अब तो नया सबका वैल्यू 2 रुपया हो गया, तो 24,000 रुपये का शेयर दे रहे हो, 2 रुपये मतलब 12,000 शेयर दे रहे हैं इन शॉर्ट, तो बैलेंस शीट में पुराना वाला 75,000 शेयर प्लस ये 12,000 वाला, पुराना 75 को तो 2 बना दिया और ये नया 12,000 2-2 रुपया वाला,
राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट हमने पे किया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो है ना, लाइबिलिटी डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट 22,500 टू बैंक, कैश मतलब बैंक। लाइबिलिटी पे हुआ, देखो यहां पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे हुआ, तो ये तो लाइबिलिटी बुक्स में था ही नहीं, तो लॉस ट्रीट किया। ये लाइबिलिटी है बुक्स में, अदर अदर लाइबिलिटी में है ये, तो लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। जो लाइबिलिटी बुक्स में नहीं है सीधा लॉस बुक करेंगे, तो है ना बुक्स में। किंग डन, नेक्स्ट यहां तक हो गया। वेंचर होल्डर्स बोलता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाएगा, 1,00,000 का प्रॉपर्टी लेके जा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन 1,20,000 है, तो हमारे बुक से एसेट कितने का चला जाएगा? 1,00,000 का, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? हम हमारे बुक्स में एसेट को बुक वैल्यू में दिखाए हैं, हमने हमारे बुक्स में एसेट को जिस दाम पे दिखाया है आउटफ्लो भी उसी दाम पे होगा, लेकिन इससे हमारा लाइबिलिटी कितने का सेट ऑफ हो रहा है? मेरे बुक्स में जो है वो तुम भूल जाओ, लेकिन इसकी वैल्यू 120 है, इसकी वैल्यू कितनी है 120, तो लाइबिलिटी कितने से सेट ऑफ हो रहा है? 1,20,000 से ना। तुमको तो मैंने प्रॉपर्टी दिया, तुमको क्या फर्क पड़ता है मेरे बुक्स में है क्या है उसका वैल्यू? तुमको सामान मिला ना, कितने का सामान है? 1,20,000 का, तो लाइबिलिटी कम होगा 1,20,000 से, क्या तुम्हारे बुक्स में 1,00,000, तो डिफरेंस 20,000 प्रॉफिट हो गया। अरे पॉइंट हाँ? तो इसको अपन कैसे करेंगे? डिबेंचर होल्डर का रेट क्या है? ओके,
लाइबिलिटी सेट ऑफ विथ मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। लाइबिलिटी सेट ऑफ का मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट से, उसको बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरवी रखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले आओगे, उसको बेच के पैसा बहुत आएगा लेकिन तुम उतना ही के लिए एलिजिबल हो जितना तुम्हारा लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मेरे बुक्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का था? 1 लाख 20 हजार का जो प्रॉफिट हुआ वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, बीइंग वेंचर्स सेटल्ड एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ठीक है। बोलो, किसी को नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। मेरे बुक्स में एसेट जीरो में दिखाया, उससे क्या फर्क पड़ता है तुमको? तुमको मैंने इसकी सिक्योरिटी दी, इसकी वैल्यू की सिक्योरिटी मेरी ही है, इसकी वैल्यू के बेनिफिट मेरी है, इसके प्रॉफिट्स मेरे हैं। तुम्हारा कितना बाकी है? उतना तुमको मिलेगा, बाकी मेरा है। लाइबिलिटी सेट ऑफ होगा मार्केट वैल्यू से, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। पेटेंट राइट ऑफ करना है, इन्वेंटरी राइट ऑफ करना है, पीएल के लिए नहीं बोला, वो भी राइट ऑफ होगा 5,35,000। डेटर का प्रोविजन बनाना है, वही डेटर राइट ऑफ करना है, एक ही बात है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो पहले ये 5,67,000 करते हैं एक साथ, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं एक साथ। फाइव कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, पीएल का डेबिट बैलेंस, प्रोविजन बना लो या डेटर को रिड्यूस कर लो, एक ही बात है। इसकी 5,35,000 है बैलेंस, इसकी 65,68,500 पेटेंट और गुडविल को यहां से लेना है, 130 और 37,500 है। गुडविल 130 है और ये है 8,36,000, 8 लाख टोटल आ रहा है
बीइंग सेकेंडरी एसेट्स रिटन ऑफ, कैपिटल रिडक्शन में चला गया, मतलब राइट ऑफ हो गया। ठीक है, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करो 387,500। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 425 की, बुक से कितनी की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गई? 1 लाख, 120 नहीं, तो बचा 325, उसको 387,500। तो दिस इज एप्रिसिएशन ना, है ना? 425 का हमारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, बुक से कितना गया? 1 लाख का। तो रिमेनिंग बचा 325, 387,500 मतलब 62,500। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 62,500। ठीक है, बुक से 1 लाख का एसेट जाएगा ना, राइट? एप्रिसिएशन भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि एप्रिसिएशन नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट को सलटा दिया, धंधा करने के लिए पैसा चाहिए ना। हम लोग भी म्यूचुअल फंड करते हैं, जब पैसे की दरकार पड़ती है तो हम बेच देते हैं, पार्ट रिडेम्पशन कर लेते हैं। यहाँ पूरा बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट है कितने का? 55,000 का। तो बैंक डेबिट 140 में बेचा, तो इन्वेस्टमेंट 55, अब बचा जो प्रॉफिट वो किधर जाएगा? कितना है यहां पे? कंट्रोलिंग अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, राइट?
डन, कुछ भी होगा सब कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, बिकॉज नाउ दिस इज द कंट्रोलिंग अकाउंट। डायरेक्टर्स का सेट ऑफ हुआ है लोन 90% लोन सेट ऑफ हुआ है, सॉरी 90% इक्विटी शेयर दिया है हमने, 5% कैश और बाकी वेव। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। क्या होगा बोलो, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स डेबिट कितना, 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 90%, टू कैश 5, सेटल्ड। अच्छा, 90,000 का शेयर कैपिटल मतलब कितना शेयर दिया है, 45,000 इक्विटी शेयर्स हैज बीन इशूड। क्लियर, कमिटमेंट कमिटमेंट कैंसिल हुआ है, कंटिजेंट लायबिलिटी पेड 12,500। क्या होगा बोलो, लॉस कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक अकाउंट हाउ मच, 12,500, 12,500 डन। तो सारा जन एंट्री कर लिया हमने, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। कैपिटल कमिटमेंट कैंसल्ड एंड पेनल्टी पेड, पेनल्टी लग गया ना हमको। ठीक है, तो व्हाट इज योर टास्क टुडे, आप इस सारे जनरल इंटरेस्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे, एंड घर पर इसका बैलेंस शीट होमवर्क है। ठीक है, इसका बैलेंस शीट आप लोग होमवर्क में करके आएंगे, और ऑब्वियसली बैलेंस शीट बनाने के पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेना, चेक करना डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय।